की बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड ब्यूटीफुल अभिनेत्री हैं स्मृति सिन्हा, जिन्होंने कई फिल्मों में काम करके ये बता दिया कि उनसे बेहतरीन काम शायद ही कोई कर सकता है। एक्टिंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं, आंखें बड़ी प्यारी है, हंसती हैं तो बस मज़ा आ जाता है, स्माइल बहुत प्यारी है, प्यारा सा फेस है। लेकिन अचानक ही पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि स्मृति सिन्हा के पास काम थोड़े से कम मेरे आकलन में आने लगे, फिल्मों से दूरियां बनने लगी। वजह क्या रही है वही जाने, हो सकता है कि फिल्मों के चयन में बहुत ही सोच समझ कर रही थी, हर स्क्रिप्ट को नहीं वापस ले रही थी। लेकिन आजकल उनको देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ देर पहले मेरी नज़र उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर गई, जहां मैंने जाकर देखा कि न केवल एक बहुत ही प्यारी सी हंसी बल्कि रील्स भी बहुत बड़े लेवल पर बना रही हैं, और जहां काम कर रही हैं वहां के दृश्य भी अपने फैंस के साथ अपडेट कर रही हैं, अपने फैंस के लिए बहुत सारे वीडियोज़ बना रही हैं, और ये बता रही हैं कि नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी एंड बहुत ही ज़्यादा काम कर रही हैं। आप बगल वाले विंडो में देख पा रहे हैं, स्मृति सिन्हा इस समय बनारस में हैं और क्या कर रही हैं आपको ज़रूर बताएंगे। स्मृति सिन्हा बनारस में हैं, नाव पर हैं और खूब ज़्यादा मस्ती कर रही हैं। गंगा नदी है, गंगा नदी में हाथ लगाए हुए स्मृति सिन्हा, ये हंसी का मजाक, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं स्मृति सिन्हा। देखिए दूसरा भी हम यहाँ पोस्ट देख रहे हैं जहाँ पर बहुत खुश हैं इस समय, साड़ी से ताड़ी जो सॉन्ग उनका है वो मेन पेज पर भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, पवन सिंह साहब के साथ में रिलीज़ हुआ है ये गाना पवन सिंह ऑफिशियल पेज पर, और नंबर वन की पोजीशन पर, म्यूज़िक सेक्शन में नंबर वन की पोजीशन पर चल रहा है। इसे उन्होंने शेयर किया, खुशी जाहिर की है, और साड़ी से ही ताड़ी का कुछ म्यूज़िक है ये भी उन्होंने किया है। बहुत सारे वीडियोज़ इस समय आप स्मृति सिन्हा के देखते ही जा रहे हैं मेरे बगल वाले विंडो में, रील्स बनाती हैं, बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपको बताएं दोस्तों, इस समय हर हर गंगे नाम की फिल्म की शूटिंग बनारस में चल रही है, जिसमें पवन सिंह साहब के अपोजिट जो हैं स्मृति सिन्हा हैं। बड़ी ही शानदार केमिस्ट्री पवन सिंह साहब के साथ इसमें देखने को इनकी मिलने वाली है। फिल्म का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, और हर हर गंगे के पहले लंदन भी गई हुई थी, वहाँ भी उन्होंने दो तीन फिल्मों की शूटिंग की है, और ख़बर ये भी है कि हर हर गंगे करते करते 3-4 प्रोजेक्ट्स फिल्मों के उन्होंने और भी साइन कर लिए हैं। मतलब ये जो आने वाले महीने हैं, आपको हर 2 महीने, 1 महीने, 3 महीनों में स्मृति सिन्हा जी की 1 से 1 फिल्में देखने को मिलेंगी, रिलीज़ होती रहेंगी, क्योंकि 2-3 फिल्में कम से कम लंदन में ही उन्होंने शूट कर ली हैं। हर हर गंगे हो ही रही है, 4थी फिल्म हो गई, इसके बाद में प्रमोद प्रेमी के साथ में एक कोई फिल्म है वो भी इनकी रिलीज़ होने वाली है, और उसके बाद में लालटेन नाम की फिल्म है यश कुमार के साथ में, जिसमें राबड़ी देवी का किरदार निभाया है स्मृति सिन्हा ने, वो भी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, और अभी 4-5 प्रोजेक्ट्स उन्होंने और भी साइन कर लिए हैं, तो उसकी भी शूटिंग शुरू हो जाएगी, और बहुत सारी फिल्में देखने को मिलेगी। मैं स्मृति सिन्हा के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस तरह की जो बेहतरीन एक्ट्रेस होती हैं उन्हें हमारे साथ हमेशा होना चाहिए और हमेशा हमें मनोरंजित करते रहना चाहिए। तो आपका क्या है कहना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा स्मृति सिन्हा को लेकर के। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें देसी भारत के साथ। नमस्कार।